आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था, तो ये टाइमिंग के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहा था, और ये जो टाइमिंग था उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रह गया था, उसके बाद फिर से जो नया टाइमिंग है उसके बाद फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहा है, एंड यहाँ पर हमारा जो लेवल्स था उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी के लिए 19,950 के ऊपर ऊपर रहेगा, एंड बैंक निफ्टी के लिए 44,100 के ऊपर हम ऊपर रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि वैसे ही हुआ है। सो लेट अस सी कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए हमारा जो लेवल्स रहेगा ये रहेगा, देखिए कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो था दैट वाज एट 20,000 का लेवल पर, तो 20,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 20,000 का लेवल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 to 20,100 इस रेंज में हम शायद रह सकते हैं। अगर ये रेंज को टूटना है तो शायद या तो पहले 1 घंटे में टूटना पड़ेगा या लास्ट 1 घंटे में टूट सकता है, वरना हम 20,000 से 20,100 इस रेंज में ही रहेंगे। अगर ये टूटता है तो 20,000 से 20,100 से लेकर 20,200 हम इस रेंज में रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा गैप है ये गैप फिल हो चुका है, सॉरी गैप फिल नहीं हुआ है, अभी कुछ 10 पॉइंट एक्चुअली बचा हुआ है। तो यहाँ पर 20,115 ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद गैप फिल हो जाएगा। तो गैप फिल हो जाएगा तो वी हैव टू स्टे अबोव दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 20,115। एज लॉन्ग हम 20,115 के ऊपर रहेंगे है हम पॉजिटिव रहेंगे, वरना यहाँ से एक बार ये करेक्शन कर सकता है। तो ओवरऑल हम जो रेंज देख रहे हैं 20,000 से लेकर 20,100 जो मैंने आपको बताया था ये हम रेंज देख रहे हैं। अगर ये रेंज टूटता है तो उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि कहाँ पर जाएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मार्केट इसी रेंज में रह सकता है 20,000 से लेकर 20,100। तो लेट अस लुक एट द टाइमिंग्स, कल के लिए क्या टाइमिंग्स रहेगा निफ्टी के लिए ये देख लेते हैं। 10:30 to 10:45 एंड 2:15 to 2:30 ये दो टाइमिंग है हमारे लिए कल के लिए फॉर निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए जब तक हम 44,100 के ऊपर है हम अभी पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो ये हेड एंड शोल्डर था ये अभी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ये जो शोल्डर है उसके लेवल पर आ चुके हैं, क्लोजिंग भी आ चुका है। तो पहले वाला जो था फिर भी वैलिड था, और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मूवमेंट भी आया था, एंड यहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन फिर से भी आया था। बट जो यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गया है मार्केट, इसने इसको वायलेट कर दिया है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कपन होल्डर भी बन चुका है अभी के लिए। ये जो कपन होल्डर अभी बना है ये वी शेप का कपन होल्डर है, इसका रिलायबिलिटी थोड़ा सा कम है, बट फिर भी एज लॉन्ग हम ये 44,500 के ऊपर रहेंगे हमको इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये अभी के लिए पॉजिटिव रहेगा, एंड यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट एज लॉन्ग हम 44,500 के ऊपर है हमको बैंक निफ्टी को पॉजिटिव हमको मानना पड़ेगा, एंड अभी के लिए सपोर्ट जो है 44,000 44,100 है, एंड 44,500 600 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। कल के लिए 44,500 इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर इसके ऊपर रहेंगे तो हम पॉजिटिव है, हम 44,500 से लेकर 45,000 इस रेंज में रह सकते हैं। अगर इसके नीचे रहते हैं तो 44,000 से लेकर 44,500 इस रेंज में शायद हम रहेंगे। हो सकता है थोड़ा साइडवेज ही रहे, बट जब तक हम 44,500 के ऊपर है हमको इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। तो टाइमिंग, दो टाइमिंग हमको मिल रहा है, पहला टाइमिंग है 9:30 to 9:45 एंड दूसरा टाइमिंग है 2:15 to 2:30, ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अगर हम फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी के लिए यहाँ पर भी दो टाइमिंग मिल रहा है सिमिलर टू बैंक निफ्टी है, एंड यहाँ पर भी वायलेट हो चुका है जो हेड एंड शोल्डर था।
तो अभी यहाँ पर भी एक कपन होल्डर बन रहा है। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट है 19,900, 950 ये सपोर्ट है एंड 20,000, 20,050 ये रेजिस्टेंस है। एंड अभी के लिए एज लॉन्ग हम 20,000 के ऊपर रहेंगे हमको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। एंड अगर हमारे लिए टाइमिंग देख लेंगे, सेम टाइमिंग है 9:30 to 9:45 एंड 2:15 to 2:30, ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। एंड क्योंकि आज वन साइडेड मार्केट गया है तो ट्रेंडिंग मार्केट था, कल शायद थोड़ा साइडवेज रह सकता है बट अभी भी पॉजिटिव ही दिखता है मार्केट। आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पास है एंड मिड कैप निफ्टी तो नया हाई बना रहा है, रोज रोज नया हाई बना रहा है, आज भी एक नया हाई बना है। यहाँ पर 9,550, 9,575 सपोर्ट है, 9,625, 650 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड यहाँ पर जो टाइमिंग हमको मिल रहा है, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में भी दो टाइमिंग हमको मिल रहा है, तो पहला टाइमिंग है 10 to 10:15 एंड दूसरा टाइमिंग है 1:45 to 1:30 to 1:45। तो दोपहर के बाद 2:15 के बाद 1:30 के बाद हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए जब तक हम लास्ट 1-2 आवर्स में एक बड़ा सा मूवमेंट जब तक नहीं आएगा और कोई रिवर्सल का संकेत नहीं मिलता है, हमको बाय ऑन डिप्स ही समझना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अभी भी। बट एक चीज है जो विक्स है जो बहुत अच्छा सा ऊपर चला गया है, लास्ट 2 दिन में 12% से ज्यादा ऊपर चला गया है एंड 60 RSI के ऊपर अभी है। तो अगर विक्स ऐसे ही जाता रहेगा तो ये बाद में खतरा पैदा कर सकता है। जब तक 13.5-14 तक नहीं जाएगा तब तक फिर भी ठीक है, बट उसके बाद ये मार्केट के लिए खतरा करवा सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो चलिए कल कल के लिए क्या लेवल्स है वो देख लेते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या हुआ है। तो ये हमारा ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा जहाँ पर आप इसका डेमो भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो पुट में एक बार भी बाइंग नहीं आया है इसे यहाँ पर आज। एंड क्योंकि ये फ्यूचर में एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था बट उसके बाद जो ऊपर गया है ये कंटिन्यूस ऊपर ही रहा है एंड कभी भी यहाँ से इसने एग्जिट भी नहीं किया है। तो क्योंकि हम MIS का ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हम इंट्राडे के हिसाब से हम एग्जिट मान लेंगे, तो यहाँ पर एग्जिट एंड में ही बना है। सो दैट इज हाउ पावरफुल दिस इज वर्किंग ऑन एंड ये पूरा हम बनाया है। इट इज बेस्ड ऑन दिस गैन स्क्वायर ऑफ 144 एंड स्क्वायर ऑफ 9, दोनों को मिला के हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए कल के लिए क्या लेवल्स रहेगा। पहले तो निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी के लिए एज लॉन्ग हम 20,000 के ऊपर है, 20,000 के ऊपर है, हम 20,049, 20,105 जो आज का हाई है यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम 117 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 125, 128 एंड 142 देख सकते हैं एंड 154 के ऊपर रहेंगे तो 166, 180 देख सकते हैं। एंड नीचे के लिए जब अगर हम 20,058 के नीचे रहेंगे तो फिर से हम 20,012 पर आ सकते हैं एंड हो सकता है कि आज का जो लो है वहां पर हम जा सकते हैं। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पर सेलिंग का साइड नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से 20,000 से 20,200 इसी रेंज में रहेंगे, ये हमारा पिवोट है 20,030। चलिए बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए जब तक हम 44,200, 199 के ऊपर है तो हम 396 पर आ सकते हैं एंड आज का जो हाई है 631 यहाँ पर एक्चुअली हम विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर 680 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 729 आ सकता है, 788 भी आ सकता है एंड 837 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 886 एंड 945 यहाँ पर आ सकता है। अगर नीचे आपको देखना पड़ेगा तो सेलिंग के लिए जब तक हम 44,435 के नीचे हम नहीं जाएंगे तब तक सेलिंग नहीं आएगा। अगर ये होगा तो हो सकता है कि 44,239 तक एक्चुअली चला जाए
एंड इसके नीचे जाएगा तो 44,000 आ सकता है। जब तक 44,000 होल्ड है तब तक यहाँ पर कोई सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है। एंड यहाँ पर पिवोट जो है 44,317 यहाँ पर हमारा पिवोट बनेगा। सो गाइस दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस, एंड अगर इससे मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।